नया साल अब ज्यादा दूर नहीं है और दिल्ली पुलिस ने नए साल के मौके पर नशे की एक बड़ी खेप जब्त की है। बदमाशों ने तस्करी का जो तरीका अपनाया था उसे देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। दिल्ली में पकड़ी गई 120 करोड़ की हेरोइन, तीन आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं। दिल्ली के आरकेपुरम में 30 किलो हेरोइन के साथ एक कार को भी जब्त किया गया। 16-17 दिसंबर की रात दिल्ली पुलिस को सफलता मिली, खुफिया सूचना के आधार पर कार्रवाई की। पुलिस ने बताया इसी रूट से अब तक 95 किलो हेरोइन की तस्करी की जा चुकी है। म्यांमार से लाई हेरोइन की सप्लाई उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में होनी थी। तस्करों ने कार के टायर में कैविटी बनाकर हेरोइन को छुपाया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जब इस कार को रोका तो हेरोइन कहीं नहीं मिली। शक होने पर कार के टायर को खोला गया, पता चला कि टायर के पीछे फुटबोर्ड के नीचे काले रंग की कैविटी बनाई गई थी, उसी के अंदर छोटे छोटे पैकेट में हेरोइन छुपाई गई थी। गिरफ्तार तीन लोगों के नाम राशिद, नाजिम और अरबाज हैं। ये सभी राजस्थान के भीलवाड़ा के रहने वाले हैं। इसी साल इसी रूट से करीब हमने 95 केजी, जो इस रूट का इस्तेमाल कर रहे थे, इस चैनल का इस्तेमाल कर रहे थे, 95 केजी हेरोइन पकड़ी है। और स्पेशल सेल का इस साल का सीजर है वो 198 केजी का सीजर है हेरोइन का।